जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 9 राज विद्या राजयोग श्लोक 22। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ने राज विद्या राजगुरु योग की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहा है, हे अर्जुन, जो कोई मन चावा और बिना किसी अन्य लाभ का इच्छा सा मेरो ध्यान कर, जो मन चावा मेरी पूजा कर, जो मन चावा और हमेशा अपना विचार में मेरा साथ रहना चावा और जो मेरा बारे में सोचे बिना नहीं रह सका, वह महात्मा कहलावा। अर्जुन, मैं उन महात्मा को योगक्षेम और कल्याण को ध्यान रखूँगा। मैं उन्हा का योगक्षेम या कल्याण की जिम्मेवारी लूँगा। जो कुछ उन्हा का पास है मैं बिना प्रदान करूँ और जो कुछ उन्हा का पास है उसे मैं सुरक्षित रखूँगा। अर्जुन, योग को अर्थ मन प्राप्त करनो मैं यह जिम्मेवारी लूँगा। क्षेम को अर्थ जन्म और मृत्यु का चक्र में दोबारा न पड़नो और यह जिम्मेवारी मेरी है। उसी तरह श्री कृष्ण परमात्मा यह स्पष्ट करया कि वह योग क्षेम या महात्मा का कल्याण की जिम्मेवारी लेवा है। आओ ध्यान करा श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर। आओ हमें श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण जो वास्तव में सर्वोच्च है को अपना योग क्षेम या कल्याण की जिम्मेवारी लेने की इच्छा न तीव्र करा। इकलिए मैं किसी अन्य फल की अपेक्षा किए बिना श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की इच्छा और ध्यान करना चाहिए। मैं न श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की पूजा करनी चाहिए और मैं न उस बिंदु तक बढ़ना चाहिए जठा मैं श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण का बारे में सोचे बिना जीवित नहीं रह सका और श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण का प्रति समर्पण करता हुआ आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दाना श्लोक का रूप में वही दोहराना को जया वो है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद् गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मन वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन कर, मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिषे वचनम त्व, जी को अर्थ कृष्ण मैं वही करूँगा जया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करा। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपना दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन्नारायण।
यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जिया थे निर्देश दिया, मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारा में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जिया थे सलाह दिया, मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जिया थे अनुसरण करना बोला था, मने पूरो विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था, श्रीमन नारायण मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातो वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनना को वादो करूँ। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ, मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा, अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा, जय श्रीमन नारायण। अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ा से तुरंत और सफल परिणाम चाहवा, इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज 1 मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ, जो कि www.narayanstrot.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहा जावा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत को पाठ पढ़े या सुने, तो संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी होगा। यह इतनो उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन अहिया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।